रोमांच और रहस्य, मुफ्त वाईफाई। 16 बरस की माशा अपने मम्मी डैडी के साथ रूस के एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके डैडी ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे, इसीलिए परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके घर में बहुत सी चीजों की कमी थी, घर में इंटरनेट भी नहीं था। एक दिन माशा के स्कूल की एक सहेली ने उसको कहा, मुझे एक नई सेवा के बारे में मालूम हुआ है, वो लोग मुफ्त में ही इंटरनेट देते हैं, हमको सिर्फ वाईफाई से उनके नेटवर्क से जुड़ना होगा और फिर हम जब तक चाहे इंटरनेट चला सकते हैं, हमें एक रूबल भी नहीं देना होगा। माशा को तो विचार बहुत ही अच्छा लगा। उसकी सहेली ने उसको बताया कि उस नेटवर्क का नाम मुफ्त वाईफाई था। शाम को घर वापस आते ही माशा ने तुरंत ही अपना लैपटॉप खोला और उस नेटवर्क को खोजने लगी। उसको तुरंत ही उस नेटवर्क का सिग्नल मिल गया और उसने अपने लैपटॉप को उस मुफ्त वाईफाई से जोड़ दिया। उसने इंटरनेट का ब्राउजर खोला, उसने देखा कि उस ब्राउजर पर लाल रंग से एक संदेश लिखा था, मुफ्त वाईफाई में आपका स्वागत है, आने के लिए धन्यवाद। हमारे नेटवर्क को प्रयोग करने के लिए ना तो आपको कोई पैसे देने होंगे और ना ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, हमें सिर्फ कुछ सामान्य जानकारी चाहिए होगी आपकी, कृपया हमारे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तभी उस पेज पर चार तस्वीरें उभर आई, एक बस, एक नाव, एक रेलगाड़ी और एक हवाई जहाज। नीचे प्रश्न लिखा था, आप इनमें से कौन सी सवारी ज्यादा प्रयोग करते हैं? माशा तो साइकिल से स्कूल जाती थी, डैडी के पास कार भी नहीं थी और वो तो कभी जहाज पर बैठा ही नहीं था, कभी ट्रेन से भी यात्रा नहीं की थी। माशा ने जल्दी से यूं ही ट्रेन पर क्लिक कर दिया। तभी धन्यवाद का संदेश दिखा, उसके बाद माशा खुशी खुशी इंटरनेट चलाने लगी। उसको लगा कि उसकी सभी समस्याओं का हल मिल गया था। वो अब फेसबुक पर अपना अकाउंट भी बना सकती थी और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी अपने दोस्तों से संपर्क में रह सकती थी। अगले दिन जब माशा टेलीविजन पर एक फिल्म देख रही थी, तभी फिल्म रुक गई और एक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। स्थानीय संवाददाता बता रहा था कि एक भयंकर दुर्घटना हो गई थी, एक रेलगाड़ी एक पुल के पास पटरी से उतर गई थी, ट्रेन की सभी बोगियां नदी के पानी में डूब गई थी और सभी यात्री मारा गए थे। माशा के तो होश ही उड़ गए। तभी उसको मुफ्त वाईफाई याद आया, उसने पिछली रात को ट्रेन पर क्लिक किया था। वो खुद को समझाने का प्रयास करने लगी कि वो सिर्फ एक संयोग ही था। वो सोचने लगी कि अगर उसने हवाई जहाज पर क्लिक किया होता तो क्या होता, क्या कोई हवाई जहाज गिर जाता। वो खुद ही हंसने लगी। शाम को उसने फिर से लैपटॉप खोला और वाईफाई नेटवर्क जोड़ लिया, वही पेज फिर से आया, लेकिन इस बार प्रश्न फर्क था। इस बार चार घरों की तस्वीरें थी, एक बंगला, एक दो मंजिला घर, एक तीन मंजिला घर और एक बहुत ऊंची बहुमंजिली इमारत। नीचे एक प्रश्न लिखा था लाल अक्षरों में, इनमें से किस प्रकार के घर में आप रहते हैं? माशा और उसका परिवार शहर से बाहर एक छोटे से बंगले में रहते थे, वो खानदानी बंगला था। वो बंगले वाले चित्र पर क्लिक करने ही वाली थी कि उसने खुद को रोक लिया। था तो वो मूर्खतापूर्ण विचारी, पर वो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। उसने बहुमंजिली इमारत पर क्लिक कर दिया, एक बार फिर से धन्यवाद संदेश दिखा और माशा इंटरनेट चलाने लगी। अगले दिन उसके स्कूल के पास की एक बहुमंजिला इमारत में भयंकर आग लग गई, 20 लोग उस आग की भेंट चढ़ गए। पुलिस ने कहा कि किसी ने जानबूझकर ही आग लगाई थी। माशा की चिंता बढ़ने लगी, इस बार तो यह संयोग बिल्कुल ही नहीं था। उसको लगा कि वह मुफ्त वाईफाई कनेक्शन ही इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार था। उसने तुरंत ही निर्णय लिया कि अब वो उस मुफ्त वाईफाई को प्रयोग नहीं करेगी। वो रात को काफी देर तक सोचती रही कि अगर उसने किसी को उस मुफ्त वाईफाई और उन दुर्घटनाओं के बीच के संबंध के बारे में बताया भी तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। आखिर उसने फिर निष्कर्ष निकाला कि वो भी एक संयोगी था। उसने फिर से लैपटॉप खोलकर मुफ्त वाईफाई नेटवर्क जोड़ दिया। इस बार फिर से चार तस्वीरें दिखी, उन तस्वीरों को देखते ही माशा के होश उड़ गए और वो बुरी तरह से घबरा गई।
वो चार चित्र माशा उसकी छोटी बहन और उसके मम्मी डैडी के थे। नीचे लिखा था, परिवार के इन लोगों में से आप किसको सबसे अधिक पसंद करते हैं। उसके बाद माशा को याद नहीं क्या हुआ और वो कब बेहोश हुई। अगली सुबह उसने सबसे पहले उस वाईफाई के नेटवर्क को अपने लैपटॉप से हटाया और चैन की सांस ली। बहुत बहुत शुक्रिया।